दोस्तों आखिर में क्यों बाहुबली को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नंबर वन पैन इंडिया सुपरस्टार कहा जाता है, इस बात को एक बार फिर से बाहुबली ने अपने बाहुबल के माध्यम से साबित करके दिखा दिया है भैया बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि भैया बाहुबली की आ चुकी फिल्म राधे श्याम को लेकर जैसी खबरें हम लोगों के सामने आ रही है उसको देखने के बाद तो अब यही कहा जा सकता है कि भाई पुष्पा राज के सामने बाहुबली झुकेगा नहीं बल्कि अपना सर उठाकर आगे चलेगा और बोलेगा कि भाई इस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का केवल एक ही नंबर वन पैन इंडिया सुपरस्टार है और वो है अपना बाहुबली। तो भाई बाहुबली की फिल्म राधे श्याम ने दो दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन किया है चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास की आ चुकी फिल्म राधे श्याम से। तो दोस्तों राधे श्याम से जो उम्मीदें थी बॉक्स ऑफिस को भैया उन उम्मीदों पर यह फिल्म खड़ी उतरती नजर आ रही है। यानी कि इस फिल्म को लेकर आज जो जानकारी आई है इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से और वो जानकारी सुनने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया हूँ क्योंकि भैया जो कलेक्शन रिपोर्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा उसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि भैया मेकर्स की तरफ से ये जानकारी हमें दी गई है कि भाई इस फिल्म ने महज दो दिनों में ही बॉक्स ऑफिस से 119 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है वर्ल्ड वाइड। यानी कि भैया इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड दो दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है लेकिन बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड जो है ना वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के माध्यम से तो यही बात सामने आ रही है कि भैया ये फिल्म अभी 100 करोड़ के करीब पहुंची है यानी कि अभी ये फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। लेकिन भाई अगर इस फिल्म के मेकर्स ये बात कह रहे हैं कि भैया इस फिल्म ने 116 करोड़ का बिजनेस कर लिया है दो दिनों में तो भैया उनकी बात को भी हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि भैया बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड इस फिल्म को लेकर क्या कह रहा है। तो दोस्तों बाहुबली की फिल्म यानी कि भैया प्रभास की फिल्म राधे श्याम ने जब पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी थी तो भैया इस फिल्म ने सभी लैंग्वेज के माध्यम से यानी कि वर्ल्ड वाइड जो इस फिल्म ने पहले दिन कलेक्शन किया था वो था 68 करोड़ का। यानी कि भैया इस फिल्म का इंडिया से जो नेट कलेक्शन रहा सभी लैंग्वेज के माध्यम से वो रहा 41 करोड़ 50 लाख रुपए का और इस फिल्म ने हिंदी बेल्ट से जो कलेक्शन किया था वो था 4 करोड़ 5 लाख रुपए का। यानी कि भैया ये पहले दिन का कलेक्शन रहा इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड या फिर कहें इंडिया से इसका नेट कलेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें भैया कि इस फिल्म ने दूसरे दिन कैसा कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस से तो भैया वो रिपोर्ट भी हम लोगों के सामने आ गए हैं। यानी कि भैया इस फिल्म ने दूसरे दिन जो सभी लैंग्वेज के माध्यम से वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया है वो है 29.7 करोड़ का। यानी कि भैया दूसरे दिन का कलेक्शन रिपोर्ट इस फिल्म का ऐसा रहा और अगर हम बात करें हिंदी बेल्ट की तो भैया हिंदी बेल्ट से इसने केवल 4 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस दूसरे दिन भी किया है। उसके बाद अगर हम बात करें भैया कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कितना किया है तो भैया वो आंकड़ा है 97 करोड़ 7 लाख का। यानी कि भैया 97.7 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड किया है जिसमें से 56.39 करोड़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है मेरे भाई। यानी कि शेयर जो है 56.39 का वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का शेयर है और इस फिल्म को लेकर यही जानकारी आ रही है इंडियन बॉक्स ऑफिस से कि भैया ये फिल्म अभी भी 100 करोड़ के आंकड़े से 3 कदम की दूरी पर है वर्ल्ड वाइड। लेकिन प्रोड्यूसर्स की तरफ से ये जानकारी अगर हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया उनकी फिल्म ने 119 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है बॉक्स ऑफिस से तो भैया उस आंकड़े को भी हमें सही मानना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप किस आंकड़े को मानोगे। जो बॉक्स ऑफिस की तरफ से जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया अभी भी इस फिल्म को 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए 3 करोड़ और कमाने होंगे उसको, या फिर प्रोड्यूसर की तरफ से जो ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है उसको। लेकिन भैया अगर हम बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट को भी माने या फिर प्रोड्यूसर की रिपोर्ट को भी माने तो भैया दोनों रिपोर्ट्स के माध्यम से ये बात तो साबित हो गई है कि भाई डार्लिंग प्रभास का जो जलवा है वो बॉक्स ऑफिस के सर चढ़कर बोल रहा है। यानी कि भैया ये फिल्म बहुत जल्दी ही 150 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लेगी, ये कहना गलत नहीं होगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।